और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इंदौर के जो कोरोना को लेकर हालात बिगड़े हैं उसके लिए जमाती जिम्मेदार है। जो तबलीगी जमाती दिल्ली जिसका कनेक्शन है, देश के 23 राज्यों में जमातियों ने जो कोरोना फैलाया है, इंदौर में भी जमाती कनेक्शन जमातियों ने फैलाया। बड़ा आरोप और ये बड़ी बयान हम इसे कहेंगे नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार आईफा के चक्कर में लगी रही। 22 मार्च के पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और कमलनाथ ने कोरोना पर कोई मीटिंग नहीं ली, कोई संज्ञान नहीं लिया। सुनिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। पूरी इंदौर, जिस इंदौर के अंदर जमातियों ने अपना डेरा जमा लिया, पूरी इंदौर को जमातियों ने भर दिया और संक्रमित कर दिया, कोई और दोषी नहीं है इसमें। ये सब 22 तारीख के पहले के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। 22 तारीख तक मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, कोई कमलनाथ जी ने स्वयं ने बैठक नहीं ली कोरोना को लेकर, चीफ मिनिस्टर होते। जबकि इनके नेता ने 12 तारीख को इनसे आग्रह किया था, राहुल गांधी जी ने, पता नहीं इटली के कारण किया काय के कारण किया, और उसके पहले एक महीने पहले से केस पकड़ में आ गया था वैश्विक महामारी की, और चीन में बुहाना जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन यहां मध्य प्रदेश की सरकार सलमान की चिंता कर रही थी, जैकलिन की चिंता कर रही थी, और इंदौर में आईफा कैसे हो इंदौर के अधिकारी चिंता कर रहे थे, इंदौर में जमाती आ गई इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। तो सुना आपने नरोत्तम मिश्रा, जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और उन्होंने बड़ा बयान दिया है इंदौर के हालात के लिए जमाती जिम्मेदार है। फिलहाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए और प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल से। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया उमेश जी आप ही की लेना चाहूंगा। कोई दोमत नहीं है इसमें, मीडिया नहीं, केंद्र सरकार कहती है कि देश के 23 राज्यों में जमातियों ने कोरोना फैला दिया। 29.8% जो मामले हैं जमातियों के हैं, और उसके बाद जब मीडिया खबर दिखाता है तो कुछ मुसलमानों को लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है आईफा को भी कटघरे में खड़ा किया है नरोत्तम मिश्रा ने। पहली प्रतिक्रिया आपकी। निश्चित रूप से माननीय नरोत्तम जी ने जो कहा है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा है, और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि उनके पास इस बात की पुष्टि के प्रमाण भी हैं, और जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उस रिपोर्ट के माध्यम से वो ये सारा विषय रख रहे हैं। और इंदौर जो इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत भयावह संकट का सामना कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंदौर के आप मरीजों की संख्या देखिए, चंदन नगर से मरीज निकल रहे हैं, टाटपट्टी बाखल से मरीज निकल रहे हैं, खजराना से मरीज निकल रहे हैं, रानीपुरा से मरीज निकल रहे हैं, और केवल मरीज ही नहीं निकल रहे हैं, सबसे बड़ी जहालत ये है, जाहिलपना ये है कि वहां पर अगर मेडिकल स्टाफ जा रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ जा रहा है, पुलिस फोर्सेस जा रही है, तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन पर पथराव किया जा रहा है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना आचरण है, इस गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण ना केवल समाज के समक्ष संकट खड़ा हुआ है और स्वयं मुस्लिम समुदाय के समक्ष भी संकट खड़ा हुआ है। मरने वालों की संख्या देखें या संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो आप देखेंगे कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों की संख्या इसमें अधिकतम है, और उसके बाद जब उनकी चिंता करने के लिए जिला प्रशासन या शासन या बाकी के सारे कोरोना योद्धा वहां पर जाते हैं तो उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो निंदनीय व्यवहार है, और इसके कारण आज इंदौर के अंदर ये संकट जो है इतना भयावह हो गया कि पूरा इंदौर इस समय भयग्रस्त है, पूरा इंदौर इस समय जो है घबराया हुआ है। चलिए मैं इस पर योगेश यादव जी के जरूर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। योगेश जी सुना आपने उमेश जी क्या कह रहे हैं, और आपने वो भी सुना कि नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, कमलनाथ ने कोई मीटिंग नहीं ली, आईफा के चक्कर में लगे रहे, और इसमें भी कोई दोमत नहीं है कि जमाती कनेक्शन जो एक बड़ा केंद्र सरकार आंकड़े गिना रही है, और उसके बाद मीडिया कुछ सवाल उठाती है तो किसी को लगता है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित तो हूँ, आश्चर्यचकित होने के साथ बहुत व्यथित और दुखी हूँ, और इतनी निराशाजनक स्थिति मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है कि भगवान इस समाज का क्या होगा, इस मध्य प्रदेश का क्या होगा, कि मध्य प्रदेश का एक स्वास्थ्य मंत्री इतना गैर जवाबदार बयान दे रहा है कि जिसकी बयानबाजी में मूर्खता, और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि बयान वीर के रूप में जिसने, जो जवाबदार व्यक्ति जिसको इंदौर संभालना चाहिए, देश प्रदेश प्रदेश संभालना चाहिए, उस समय एक बचकाना बयान सामने आता है। अरे कमलनाथ जी पर आरोप लगाने के पहले ये बात बता दीजिए कि 7 तारीख से जिस तरीके से आप लोगों ने तमाशा शुरू किया था,
विधायकों की खरीद फरोख्त का उस समय से 7 मार्च के बाद से ही आप लोगों ने इस सरकार को डिस्टर्ब कर दिया था। उसके बाद आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हम कोरोना की बात करते हैं, जब हम विधानसभा के संदर्भ में ये कहते हैं कि कोरोना के बारे में हमें संज्ञान आ गया 16-17 मार्च से, तो उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मजाक उड़ाते हैं कमलनाथ जी की सरकार का। और मैं शुभ हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति को जो एक निराशाजनक स्थिति से स्वयं जी रहे हैं, कल उनका मैंने एक बयान सुना, वो कहते हैं कि 3 मई तक तो कोई संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश में सुधारा जाए। अरे शिवराज सिंह जी से प्रश्न है कि ये स्वास्थ्य मंत्री आपने किसको बना दिया? ठीक, योगेश जी, समय की कमी में इस पर आपका आपके सवाल का जरूर संक्षिप्त में जवाब ले रहा हूँ। उमेश जी क्या कहेंगे? मेरा पूरा जवाब तो हो जाने दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में योगेश जी, बेहद संक्षिप्त। पहले इंदौर की हालत देखिए, बोलिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, इंदौर जाइए, जवाबदारी पूरी कीजिए अपने, उसके बाद बयान कीजिए। पहले इंदौर के हालात देखिए जाकर, इंदौर में जिस तरीके से गैर जवाबदार तरीके से मध्य प्रदेश का शासन काम कर रहा है। अरे आपके पास मशीन खरीदने के लिए 60 लाख रुपए नहीं है, 60 लाख रुपए निजी संस्थाएं दान दे रही, मध्य प्रदेश सरकार की गैर जवाबदारी हरकतें तो सामने। उमेश जी मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, बड़ा आरोप लगाया है नरोत्तम मिश्रा जी ने, कहा था कि कोरोना नहीं है तो डरो ना है, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं। हालत क्या है कि पीड़ा जरूर ज्यादा दिखाई दे रही है, और जिन भाषा के लिए वे बात कर रहे हैं, ये अभद्र भाषा के लिए जो वो बात कर रहे हैं, ये अभद्र भाषा के लिए ना निंदनीय। मुझे लगता है कि मुझे योगेश जी से इस प्रकार की भाषा के लिए अपेक्षा। चलिए अब मुझे लगता है हम राजनीति कर रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं, जो गरिमा है वो हम खो रहे हैं। मैं आप दोनों ही प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ बातचीत करने के लिए, लेकिन देखिए जो असल मुद्दा है, हमें इस वक्त राजनीति नहीं करना है। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के नाते जो भी बयान दे रहे हैं, लेकिन बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, कांग्रेस के नेताओं में भी है कि हमने तो साफ प्रयास किए थे, लेकिन उस वक्त जब सरकार हिल रही थी, डगमगा रही थी, उस वक्त बीजेपी का क्या एक्शन था, बीजेपी नेताओं ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन अब चूंकि बीजेपी अब सत्ता में आ गई है तो बीजेपी भी गंभीर आरोप लगा रही है जमातियों के अलावा, कमलनाथ सरकार को ठहरा रही है जिम्मेदार, मीटिंग नहीं ली गई, आईफा के चक्कर में लगी रही, यानी कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए हैं।